हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम यू ऑन लर्निंग यू टू जेड। तो आज हम कर रहे हैं जेनेटिक कोडोन, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? जेनेटिक कोडोन। तो बात ये है कि भई ऐसा क्या है, जेनेटिक कोडोन क्या है और हम किसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि सेंट्रल डॉगमा में आपने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जब रेप्लिकेशन होता है उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होंगी किसमें? प्रोटीन में। किसमें होगी? प्रोटीन में। पर सबसे पहले फिर यहां पर एक लॉजिक आता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो, जेनेटिक कोडोन किसने दिया था? गिवन बाय जॉर्ज गैमो, ठीक है। जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट है, जिसने सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई किया था। तो हम इस बार इरेज करके फिर यहां से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें जेनेटिक कोडोन को क्यों पढ़ना है। देखो, आरएनए या फिर एमआरएनए भी जब बना था तो किससे बना है? ये न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। पर जब अब क्या है, आरएनए से क्या बनना है? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। किससे बनता है? अमीनो एसिड से, ठीक है। यानी कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड है, तब इंफॉर्मेशन आरएनए से ट्रांसफर होगी किसमें? प्रोटीन में। तो प्रोटीन में, प्रोटीन तो न्यूक्लियोटाइड से नहीं बनता, प्रोटीन तो किससे बनता है? अमीनो एसिड से, ठीक है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, पर कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारे न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से कोट करते हैं, ठीक है, उनसे फर्दर इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो जेनेटिक कोडोन से कोट करके इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मेन बात क्या है, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? ऐसे ए यू सी टी एंड जी या फिर यू सी। याद रखना यहां पर टी नहीं आएगा क्योंकि थायमीन सिर्फ डीएनए में होता है, हम पढ़ रहे हैं आरएनए में। तो आरएनए में यू है जो वो रिप्लेस कर रहा है थायमीन को, तो ए यू जी सी ऐसे कोई सा वो है। पर हमें पता है अमीनो एसिड क्या होते हैं, ग्लूटामिन है, लेसिन है, वेलिन है, तो ये सब, पर ये तो इनसे कहीं मैच नहीं हो रहे हैं। तो क्या है, भी साइंटिस्ट था जो गैमो, उसने क्या देखा? उसने कुछ ये देखा कि कुछ इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही अमीनो एसिड बन रहे हैं, ठीक है। यानी उसने ऐसा आइडिया लगाया कि अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही बने हुए हैं, ठीक है, ऐसा आइडिया लगाया। तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि बहुत सारे, यानी कि जितने अमीनो एसिड बनते हैं, जो वो किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन बनता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं जिससे फिर वो क्या, किसको कोट कर रहे हैं? वो अमीनो एसिड को। जैसे कि अभी करते हैं हम बात करते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, साइलेंट फीचर क्या है कोडोन के? तो ये क्या होता है, पहले ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है? यानी कि हमेशा तीन का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। कितने का? थ्री। ट्रिपलेट मतलब यहां पर तीन अलग अलग वर्ड होंगे, ठीक है, वो अलग अलग लेटर होंगे, ठीक है, इसलिए क्या है? ट्रिपलेट। यानी कि कोई भी सीक्वेंस है, जैसे कि हमारे पास ये सीक्वेंस है, तो इन्होंने बताया कि तीन मिलकर एक अमीनो एसिड बनाते हैं। अब ये उसने बताया कैसे, ऐसा नहीं है कि पहले हो नहीं रहा था, फर्दर ये तो कभी से होता आ रहा है, जब से लाइफ है तब से होता आ रहा है। तो उसने सिर्फ आइडिया लगाया कि ये कैसे हो रहा है, तो उसे यहां तक कैसे पहुंचाइए, मन में क्वेश्चन तो आता होगा ना कि यहां तक कैसे पहुंचाए कि तीन ही मिलकर एक अमीनो एसिड बनाएंगे, दो भी तो बनाते होंगे, चार भी तो बना सकते होंगे। तो क्या हुआ, जब पता है ये ट्रिपलेट है तो कैसे बताया, अगर हम फोर इंटू फोर इंटू फोर कितने होंगे? 64। ये तो बहुत ज्यादा हो गए। थ्री की करेंगे हम, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, कितने? थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितने हो गए? 27। टू करेंगे और अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20। तो किससे नियर है? नियर किसके है? ये 27 के, 8 के हैं, 64 के हैं, किसके हैं? 27 के। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि भाई जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो ट्रिपलेट का होता है, तीन तीन मिलकर ही, तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही एक कॉम्बिनेशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ये याद रखना है, ये ट्रिपलेट होते हैं और टोटल कितने होंगे? 64।
अभी अब मैं आपको चेकर बोर्ड ड्रॉ करूंगा, ठीक है, फिर आप अच्छे समझ में आए कितने होते हैं, 64 कोडोन तीन तीन के बनेंगे, उसमें से 64 तो क्या होंगे वो अमीनो एसिड बनाएंगे और तीन क्या होंगे स्टॉप कोडोन, यानी कि जहां पर ट्रांसलेशन को रुकना है वहीं तक ही, यानी कि याद रखना इनिशिएटर क्या होता है जो शुरुआत करता है और टर्मिनेटर या फिर यह लगा लो कि स्टॉप कोडोन क्या करता है उसे रोकता है कि वो काम वहीं तक ही होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है ट्रिपलेट है 64 है और 61 क्या है अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं और तीन क्या करते हैं स्टॉप कोडोन है जो कि ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब क्या वन कोडोन कोड ओनली वन अमीनो एसिड, यानी कि अब एक कोडोन यानी कि लगा लो AUG अगर कोई एक ट्रिपलेट है तो ये सिर्फ एक ही यानी कौन सा मिथियोनीन अमीनो एसिड है जो सिर्फ इसे ही बनाएगा, एक कोडोन एक से ज्यादा अमीनो एसिड नहीं बना सकता, ठीक है। जब और इसलिए और नेक्स्ट क्या है मैनी अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, अब ये इसका उल्टा है यानी कि एक कोडोन मिथियोनिन बना सकता है, ये सिर्फ एक ही बनाएगा पर मिथियोनिन किसी और कोडोन से भी बन सकता है, ठीक है, या फिर कोई और मिथियोनिन नहीं होगा मतलब कि कोई और अमीनो एसिड किसी और कोडोन से भी बन सकता है, यानी बात क्या है एक कोडोन एक टाइम पर एक ही अमीनो एसिड बनाएगा पर बहुत सारे कोडोन सेम अमीनो एसिड भी बना सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं सो इट इज कॉल्ड डीजनरेट का मतलब क्या होता है जानना है, डीजनरेट का मतलब क्या होता है यानी कि एक ही चीज कई अलग अलग चीजों से सेम चीज बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फोर्थ साइलेंट फीचर क्या है द कोडोन इज रीड इन mRNA इज कॉन्टिन्यूअस फैशन, अब कॉन्टिन्यूअस फैशन का मतलब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक सीक्वेंस है mRNA का और ये अगर लगा लो हमने इस तरह बना दिया, ये हमारे पास सीक्वेंस है तो कॉन्टिन्यूअस फैशन मतलब ये है कि ये हमेशा तीन तीन का ऐसे ग्रुप में बनेगा, ऐसा नहीं है इन तीन का हो गया फिर एक को छोड़ दिया अगले तीन का हो गया फिर दो को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता बीच में कोई भी नहीं छोड़ता है, हमेशा ऐसे फैशन में होते हैं यानी कि 3-3-3-3 बीच में कोई भी नहीं छूटता, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम क्या है ये कॉन्टिन्यूअस फैशन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, अब नियरली का मतलब क्या होता है यानी कि लगभग लगभग और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है हर जगह सेम, यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा हर जगह सेम यानी कि हर जगह जो ये ग्रुप होगा ये कोडोन होगा इसको ये सेम ही अमीनो एसिड बनाएगा पर 100% नहीं पर लगभग ही यानी कि मैक्सिमम केस में हर एक अमीनो एसिड जो बनता है वो सेम कोडोन से ही बनता है पर ये ऐसा हर बार नहीं होता ये नियरली है, जैसे कि बताया UUU है जो ये फिनाइलनिन बनाता है इन ह्यूमन में बट प्रोटोजोआ में ये है ही नहीं ये बनाता ही नहीं फिनाइलनिन, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे नियरली यूनिवर्सल है यानी कि मैक्सिमम सेम वर्क करते हैं पर कहीं कहीं इसमें एक्सेप्शन भी हैं। नेक्स्ट क्या है AUG हैज ड्यूअल फंक्शन, AUG यानी कि ये कोडोन क्या करता है इसके दो काम है, दो काम क्या है AUG एक तो प्रोटीन कहां से बना होता है AUG से ही यानी मिथियोनिन को रिकॉर्ड करता है ये और ये इनिशिएटर भी है, अब AUG जैसे यहीं से लगा लो अगर ये हमारे पास सिक्वेंस है एक तो रीड करेंगे कैसे अगर ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है यहां आए यहां नहीं होगा जैसे ही वो यहां पहुंचते हैं तो क्या पहले इसको देखेंगे ये नहीं हो रहा है फिर अगले को देखेंगे ये भी नहीं हो रहा है फिर अगले को देखेंगे ये भी नहीं हो रहा है अगले पहले तो ये तो AUG आ गया यानी कि मिथियोनिन भी बन रहा है और यहां से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा यानी कि ये उसको शुरू भी करता है इनिशिएटिव भी है, ठीक है, यानी कि दो काम AUG का करता है ड्यूल वर्क है इसका मिथियोनिन को कोट करता है और साथ ही साथ ये क्या है इनिशिएटर है ट्रांसलेशन हमेशा AUG से ही स्टार्ट होता है और फिर क्या है हमारे पास 3UAAUAG और UGA ये क्या है स्टॉप कोडोन है यानी कि जहां पर भी इनमें से कोई भी एक कोडोन आ गया वहां पर ही क्या हो जाता है हमारा ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी ट्रांसलेशन जहां भी रुकनी है वो वहीं रुकेगी जहां पर भी इन तीनों में से कोई भी सिक्वेंस अगर आ गया, ठीक है, याद रखना शुरू कहां से हो रहा है AUG से और खत्म कहां होगा इन तीनों में से कोई भी एक आ गया वहां से क्या होगा ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, ट्रांसलेशन याद रखना क्या होता है ट्रांसलेशन मतलब अब mRNA से इन्फॉर्मेशन कहां ट्रांसफर हो रही है प्रोटीन के अंदर, तो अब हम ड्रॉ करते हैं चेकरबोर्ड यानी कि हम कैसे बताएं कि ये कोडोन कैसे बनते हैं और कैसे किस चीज को कोट कर रहे हैं कौन सा अमीनो एसिड
किस कोडोन से बन रहा है। अब हम करते हैं चेकरबोर्ड, यानी कि कैसे बताएं कि अमीनो एसिड कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एक सीक्वेंस है यू सी ए जी, आप इसको याद रखो यू सी ए जी। अब क्या करना है, इसको एक बार ऐसे लिखना है, एक बार ऐसा लिखना है और एक बार ऐसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। जैसे मैं अभी यहां कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते हैं, ए सी यू सी ए जी, ठीक है। और फिर यहां पर यू सी ए जी, अब हमने अपना लाइन को ऐसे डिवाइड कर दिया, थोड़ा और इसको स्पेस कर देते हैं बीच में, यू सी ए जी। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे अब अलग अलग लाइन में लिखा है ना, तो यहां पे इसको साथ लिखना है ऐसे ही यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब इसको देखो ये और ये क्या हो जाएगा, यू यू यू, यहां पर क्या आएगा यू यू सी यू यू ए यू यू जी, यहां पर क्या आएगा यू सी यू यू सी सी यू सी ए यू सी जी, यहां पर क्या आएगा, देखो ध्यान से लिखना, ये वाला जो इधर आओगे पहले लिख लो, यहां पर चार बार लिख लो, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, अब जो ये आएगा इसे लिख सकते हो आप, और जो उधर है यू सी ए जी, ऐसे ही इधर हो जाएगा यू 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 जी 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 जी, फिर यू सी ए जी, ऐसे ही आपने सारे फिल करने हैं। यहां पर जैसे सी आ गया तो सी हम फोर टाइम लिख लेंगे, उधर के है यू, फिर यू सी ए जी, ए ए ए ए, उधर क्या है यू 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 सी ए जी 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 जी, यू 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 सी ए जी। एक बार ध्यान से देखो कैसे हो रहा है ये, ठीक है, जो इधर आ रहा है उसको ऐसे कैसे लिख लो, सी 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 सी, इधर भी सी 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 सी, यू सी ए जी, ए ए ए ए, इधर जी 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 जी, सी है सी 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 सी, यू सी ए जी यू सी ए जी, ऐसे इधर सी है ए जी, इधर क्या है ए, इधर भी ए आ जाएगा और यहां पर भी ए आ जाएगा, और इधर क्या है यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। अब इधर क्या फिर सी है सी 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 सी, फिर ए ए ए ए, और इधर क्या है जी 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 जी, अब इसको फिल कर लो, जी है इधर, यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, ये हमारे पास चेकरबोर्ड बन गया, ठीक है। यानी कि कुल इतने कितने हो जाएंगे, ये फोर इंटू फोर इंटू फोर कितने हो गए 64, और यही बताया था कि कितने होते हैं कोडोन 64। अब इसमें से क्या होगा 61 तो अमीनो एसिड को कोड करते हैं और 3 क्या है स्टॉप कोडोन। अगर आप याद करोगे तो आप इजीली बता सकते हो स्टॉप कोडन कौन सा होता है, हमारे पास ये दो और एक ये हमारे पास क्या है दोनों तीनों क्या है स्टॉप कोडन, ठीक है। आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो,
इजिली यहां से ऊपर वाली लाइन के इधर में जो तीन को मिलकर बनेंगे इसे क्या बोलते हैं हम स्टॉप कोडोन। और स्टार्ट कहां से होता है ए यू जी, ये देखो यहां से ए यू जी मतलब क्या होगा मिथियोनीन, ठीक है क्या बोलने का हमें मिथियोनीन। अब देखो अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेंगे हम, साथ ही साथ 20 टोटल अमीनो एसिड होंगे, देखो 61 है टोटल कोडोन और बनाएंगे कितने सिर्फ 20। तो क्या है ये डीजनरेट, डीजनरेट मतलब क्या होगा यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जो सेम एक ही तरह का अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास ये है फिनाइलानीन, नाम याद कर लेना इनका फिनाइलानीन, ठीक है कि इसको पीएचई बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीएचई, मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप नोट कर लेना फिनाइलानीन। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसको लिखते हैं हम एफ सी, किससे बोलते हैं एफ से डिनोट करते हैं इसे। और कुल कितने बनेंगे यहां पर हमारे पास टू, ये भी फिनाइलानीन होगा, ठीक है ये भी क्या होगा हमारे पास फिनाइलानीन, ठीक है आप इसकी आप लिख सकते हो इनका नाम और शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वो है यू यू ए, यू यू ए है जो यानी मतलब क्या होगा ल्यूसीन, क्या होगा ल्यूसीन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं एल ई एल ए यू, ठीक है एल ई यू, इससे हम क्या बोल सकते हैं एल ई यू मतलब ल्यूसीन, चलेंगे देता हूं मैं यहां पर एल ल्यूसीन, और नोट किसे करता है इसे कैपिटल एल से, ठीक है कितने बनेंगे ये हमारे पास, ये बनेंगे हमारे पास ल्यूसीन ल्यूसीन, ये भी ल्यूसीन, यानी कि क्या है ये डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब क्या होगा यानी कि हमारे पास यहां पर करीबन छह जो कोडोन है वो सेम ल्यूसीन को ही कोड कर रहे हैं, ठीक है यानी कुल कितने बने, दो ही बने हैं पर कितने यूज हो गए हमारे पास एट यूज हो चुके हैं, ठीक है ल्यूसीन को एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है ए डब्ल्यू, अब ए डब्ल्यू जो कोडोन है ये किसे कोड कर रहा है, ये यूज कोड कर रहा है आइसोल्यूसीन को, किसको आइसोल्यूसीन, जिसको किसे डिनोट करते हैं आई से कैपिटल आई, ठीक है ये क्या है आइसोल्यूसीन आई एल ओ, क्या बोलते हैं इसे हम आई एल ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई एल ई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए यू, क्या है ए यू सी, ये भी किसके लिए है आइसोल्यूसीन और ये भी किसके लिए है आइसोल्यूसीन, ठीक है। अब ए यू सी हमें बता दिया किसके लिए होता है मिथियोनिन के लिए, जिसका डिनोट हम किससे करते हैं एम से, किससे करते हैं मिथियोनीन, क्या बोलते हैं इसे एम, क्या बोलेंगे एम शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है वो क्या है जी डब्ल्यू, अब जी डब्ल्यू किससे कोड करता है वेलिन, किससे वेलिन, आप लिख सकते हैं वेलिन, यानी किसको डिनोट करते हैं इसे हम वी से कैपिटल वी। अब ये कितने होंगे यहां पर फोर, जितने भी ये वेलिन है ये भी वेलिन है ये भी वेलिन है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन में जाते हैं यहां पर यू सी यू, अब यू सी यू किसके लिए होता है सेरीन, किसके लिए होगा सेरीन, इसको नोट किससे करते हैं हम एस से, किससे एस से, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है जो चारों के चारों क्या होते हैं सेरीन ही होंगे, ठीक है सेरीन, इसको किसे डिनोट करते हैं हम एस से। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है प्रोलीन, किससे होगा प्रोलीन, इसे डिनोट किसे करते हैं हम कैपिटल पी प्रोलीन, कैपिटल पी। अब प्रोलीन कितने होंगे हमारे यहां पर, अब ये है नेक्स्ट फोर, ये भी प्रोलीन है ये भी प्रोलीन है और ये भी प्रोलीन है, ये अमीनो एसिड है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहां पर क्या है ए सी यू, अब ए सी यू किसके लिए होता है, ये होता है थ्रियोनीन के लिए, किसके लिए थ्रियोनीन, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हम, क्या होता है थ्रियोनीन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ये कितने होते हैं चार, ठीक है ये भी क्या होंगे थ्रियोनीन। अब उसके बाद क्या है हमारे पास वो है एलानीन जी सी यू, अब जी सी यू एलानीन, अब इसको कैपिटल किससे करते हैं हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है यानी कि तीनों हमारे पास क्या है ये क्या जाएंगे यहां पर एलानीन ए एल ए, ये मेनिफिट किसके मतलब हमारे पास
चारों के चारों सेम यही होंगे। और ये अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन पर, यानी कि यू ए यू क्या होता है, ये होता है टायरोसिन। क्या होता है? टायरोसिन, टायरोसिन। अभी से रिनोट कैसे करते हैं हम? वाई से, कैपिटल वाई। यहां पर क्या जाएगा? टायरोसिन। ठीक है, तो ये कितने होंगे? ये हमारे पास टू होते हैं। ठीक है, ये भी टायरोसिन है और नेक्स्ट भी टायरोसिन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या थे? स्ट्रोपकोडोन, तो इसलिए बताते हैं यहां पर सी ए यू। तो सी ए यू है जो ये किस समय इसको कोड करता है? तो ये करता है हिस्टिडीन को। किसको? हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एच से। तो ये कितने होंगे? ये हमारे पास होते हैं टू, एच आई एस और एच आई एस, दोनों ही हमारे पास कितने हैं? टू हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट है? वो है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन कितना? जी ए। यहां पर जो आ गया वो क्या हमारे पास? ग्लूटामीन। ठीक है, क्या आएगा? ग्लूटामीन, जी एल एन। किसे नोट करते हैं हम? जी एल एन। तो इसको नोट किसे करते हैं? क्यू, क्यू इसका साइन है, कैपिटल क्यू। तो क्या होगा? ग्लूटामीन। तो कितना जाएंगे यहां पर? टू है, जी एल एन, जी एल एन। उसके बाद नेक्स्ट है डबल ए यू। अब ये किसको अमीनो एसिड कोड करता है? तो ये करता है किसको? ये करता है एस्परजीन को। ठीक है, एस्परजीन, एस्परजीन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस्परजीन को डिनोट करते हैं हम एन से। किससे करते हैं? कैपिटल एन। तो यहां पर क्या जाएगा? एस्परजीन। ठीक है, इसलिए ए एस एन क्या होगा इसका? ए एस एन। नेक्स्ट भी क्या है? ए एस एन। यहां पर दो टोटल कोडोन हैं जो एस्परजीन को क्या कर रहे हैं? कोट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लाइसीन। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होगा? लाइसीन, लाइसीन। तो लाइसीन को किससे कोट करते हैं? के से। किससे? के से, कैपिटल के, लाइसीन को है। तो कितने होंगे इसके लिए? यहां पर फिर से टू होंगे हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास जो यहां पर है, ये किसके लिए कोट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हमारे पास फिर से एस्पैरेट, एस्पैरेटिक एसिड, एस्पैरेटिक एसिड। ठीक है, यहां पर क्या? ये एस्पैरेटिक एसिड, एएसपी। नेक्स्ट भी क्या होगा? एएसपी। तो इसको डिनोट किससे करते हैं हम? इसको करते हैं डी से, कैपिटल डी। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टू बच गए, ये किसके लिए कोट करेंगे? तो ये कोट करेंगे किसके? ग्लूटामिक एसिड के लिए। ठीक है, किसके लिए? ग्लूटामिक एसिड। इसको साइन क्या होता है? कैपिटल ई, ग्लूटामिक। नेक्स्ट लाइन है जो हमारे पास, वो है यूजीयू। अब यूजीयू को किससे नोट करते हैं हम? सिस्टीन, सी वाई एस, सिस्टीन। यानी कि क्या बोलते हैं हम इसे? सिस्टीन अमीनो एसिड, सिस्टीन, जिसे किससे नोट करते हैं हम? कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी जो अमीनो एसिड है, ये कितने होंगे यहां पर हमारे पास? टू। ये भी सिस्टीन है। अब ये क्या है हमारे पास? यूजीए, ये एक स्टॉप कोडोन है। और नेक्स्ट जो यहां पर बचा हमारे पास, ये है ट्रिप्टोफैन। क्या बोलेंगे इसे? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, तो इसको किसे डिनोट करते हैं हम? डब्ल्यू से। किसे करते हैं? डब्ल्यू से। ये इसका साइन है जिससे हम बता सकते हैं ट्रिप्टोफैन। अब नेक्स्ट हमारे पास सीजीयू। सीजीयू का मतलब क्या होगा? ये होता है आर्जिनिन। क्या होता है? आर्जिनिन। ठीक है, ए आर जी। अब इससे ये जो नाम सही है, आर्जिनिन, आर्जिनिन, इसको नोट करते हैं हम कैपिटल आर से। ठीक है, कितने होंगे हमारे पास? ये फोर। ये भी आर्जिनिन, आर्जिनिन और आर्जिनिन। अब है एजीयू। अब एजीयू किससे करता है? ये फिर से सेरीन को डिनोट करता है। किसको? सेरीन, जो हम लास्ट में यहां पर कर चुके हैं, ये सेरीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास? वो है, ये भी नेक्स्ट में सेरीन से होगा। और एजीए, अब एजीए जो ये भी, ये किसे डिनोट करता है? ये करता है आर्जिनिन, दोबारा से, जो यहां पर था। ठीक है, आर्जिनिन। अब नेक्स्ट फिर ये जो लास्ट है, ये भी क्या होगा? आर्जिनिन। और जो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, यहां पर क्या होगा? ये होता है ग्लाइसिन। किसके लिए है? ग्लाइसिन। ठीक है, जी एल वाई, सारे के सारे क्या होंगे? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसे लिखेंगे हम?
ग्लाइसिन। तो ये किसे डिनोट करते हैं हम, इसे जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ग्लाइसिन, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, चेकरबोर्ड है और हम बता सकते हैं। अब इसमें पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि स्टॉप कोडन कौन से हैं, ठीक है, या फिर इनिशिएटर कौन सा है, या फिर ऐसे बोल देते हैं भाई सी यू ये यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड जो प्रिपेयर हो रहा है, वो आपको बता सकते हैं प्रोलीन है। तो मैंने आपको बता दिया 20 टोटल अमीनो एसिड है और इनमें से आप उनके साइन से भी याद कर सकते हो, जैसे आर आर्जिनिन, पी प्रोलीन, वी वेलिन, ठीक है, ऐसे ही ग्लाइसिन का जी है, सेरीन का एस है, मतलब बहुत सारे हमारे पास, कितने टोटल 20, ठीक है। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं आप जैसे कि डिजनरेट कैसे हैं ये, यानी कि अब यहां पर ये एक टाइम, मतलब ये एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, पर साथ के साथ ही बहुत सारे यानी कि मोर देन वन कोडोन सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, यानी कि एक एक को ही करेगा, यानी कि एक से एक ही निकलेगा, पर ऐसे ही बहुत सारों से भी एक निकल सकता है, ठीक है, यानी कि सुनो इस बात को, यानी कि एक कोडोन दो अमीनो एसिड को नहीं शुरू कर सकता, ठीक है, दो को नहीं शुरू कर सकता, पर दो अमीनो एसिड सेम अमीनो एसिड जरूर बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, समझे आप क्या है, एक कोडोन एक अमीनो एसिड ही बनाएगा, पर बहुत सारे अमीनो कोडोन एक अमीनो एसिड बना सकते हैं, और यही हमारे पास यहां पर ये चार ये आर्जिनिन बना रहे हैं, ठीक है, सेरीन, इधर भी सेरीन, ठीक है, ये यहाँ पर छह कोडोन सेरीन बना रहे हैं, यहां पर भी लुसीन है जो ये भी छह बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही ये जो मिथिलिन एक ही बना रहा है, यानी कि ऐसे बना सकते हैं, क्या है, डी जनरेट है। तो ये आपके पास क्या था, जेनेटिक कोडोन, और काफी आसान है, सिर्फ चेकरबोर्ड को आप एक बार ड्रॉ करना सीख लो और इनको याद कर लो, काफी आसान हो, पेपर में बहुत बार इससे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जेनेटिक कोडोन अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।